दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पीएम किसान का 17वीं किस्त 18 जून को सभी किसान भाइयों को मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो 18 जून को सभी किसान भाइयों को पीएम किसान का 17वीं किस्त मिल गया होगा। लेकिन पीएम किसान का 17वीं किस्त सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगा जिनका पीएम किसान का ई केवाईसी कंप्लीट है। सो अगर आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो पीएम किसान का 17वीं किस्त आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसे आप लिख कर रख ले। सो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप सिर्फ आधार ओटीपी से 2 मिनट में अपना पीएम किसान का ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उस वीडियो में कई लोग को ये दिक्कत आ रही है कि उनका आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, वो आधार ओटीपी से अपना ई केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना आधार ओटीपी के सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन से सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर पीएम किसान का ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें क्योंकि अगर एक स्टेप भी मिस हो गया तो आपका पीएम किसान का ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ से आपको पीएम किसान के ऐप को इंस्टॉल करना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप इस ऐप को डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे। ये 5 MB का ऐप है, तुरंत आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको अभी ओपन नहीं करना है, आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना है। फिर से आप प्ले स्टोर पर आएंगे, सर्च बार में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे आधार फेस RD ऐप। सर्च करते ही ये ऐप आएगा। वैसे मैंने आधार फेस RD ऐप का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ये 70 MB का ऐप है, इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आधार फेस RD ऐप इंस्टॉल करने के बाद इससे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वापस से बैक आना है और यहाँ पर आपको फिर से पीएम किसान ऐप को सर्च करना है। तो हमने ये ऐप इंस्टॉल करा था, अब आपको इसे ओपन करना है। इसके सारे परमिशन को यहाँ से आप अलाउ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीएम किसान का ऐप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करता है, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग से नहीं बता सकता हूँ। अब मैं आपको फोटो के जरिए बताऊंगा कि कैसे आप इस पीएम किसान के ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन आसानी से करेंगे। ऐप ओपन करते ही यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे, प्रीफर लैंग्वेज अपडेटेड, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन टाइप सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन ID और आधार नंबर। सो अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करके नीचे आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे और OTP से लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन ID देना है। उसके बाद फिर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। ये OTP आपके उस मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आपने पीएम किसान रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर दिया था। उस OTP को यहाँ पर आप एंटर करेंगे, फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको MPIN सेट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर 6 डिजिट का MPIN सेट करेंगे। उसी MPIN को नीचे दोबारा कंफर्म करेंगे, फिर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। MPIN जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने पीएम किसान के ई केवाईसी का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका सारा डिटेल लिखा होगा। ई केवाईसी स्टेटस यहाँ पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पर नो लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपको पीएम किसान का ई केवाईसी करना होगा। पीएम किसान का ई केवाईसी करने के लिए नीचे आपको स्टार्ट ई केवाईसी पर क्लिक करना है। और अगर आपके सामने ई केवाईसी स्टेटस में यहाँ पर यस लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपका पीएम किसान का ई केवाईसी किया हुआ है, आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट ई केवाईसी पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे आधार कार्ड नंबर मांगेगा, तो अपना आधार कार्ड नंबर देंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वही MPIN एंटर करना है जिसे अभी आपने जनरेट करा था। अगर आप MPIN भूल चुके हैं तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फिर नीचे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इसके सारे परमिशन को अलाउ करना है। फिर यहाँ पर आपको इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। फिर स्कैन फेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन के लिए किस तरह से आपको कैमरे के सामने रहना है। आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, फेस पर लाइटिंग होना चाहिए। इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। फिर नीचे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कैमरा खुल जाएगा। कैमरे के सामने आपको पीएम किसान के लाभार्थी का फेस रखना है और कुछ सेकंड वेट करना है, ये आपके फेस को डिटेक्ट करेगा। फेस डिटेक्ट होते ही यहाँ पर आपको ई केवाईसी हैज बिन कम्प्लीटेड का स्टेटस आ जाएगा। आपका ई केवाईसी सक्सेसफुली हो चुका है। 24 घंटे के अंदर में आपका ई केवाईसी यहाँ पर सिस्टम में अपडेट कर दिया जाएगा।
सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप इस तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।